चले निकले। हाँ चले चले। जिस तरह चल चल रहा है उसी तरह चलिए। Thank you.
रास्ता ऐसे ही ले रहा हूँ, क्लोज है। साथियों, मैं अभी जब हम जुलूस लेके निकल रहे थे तो दिल्ली से मेरे पास एक चैनल वाले का नाम फोन आया। अजय सिंह जी सुनिएगा ये बात, एक चैनल वाले का फोन आया, बोला कि ये बाइक रैली निकली कैसे, आपने किया क्या ये? मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, और यकीन मानिए मेरे को पता भी नहीं कि ये कैसे प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया, कार्यकर्ताओं ने, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बैठ के, राजद के लोगों ने बैठ के। तो बोला अच्छा आपको पता नहीं, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कल तक आप 15-20 हजार की लीड पे थे, आज 40 हजार की लीड पे आ गए। साथियों, मैंने मेरे जीवन में मुख्यमंत्रियों के विजय जुलूस देखे हैं, मैंने देखे हैं कम से कम 5-6 मुख्यमंत्रियों के विजय जुलूस देखे हैं। मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि ऐसा विजय जुलूस किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं था जो जुलूस हम लोगों का नहीं था। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस रैली के बाद बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2 दिन तक, आज की रात और कल की रात, लोग सो नहीं पाएंगे। जो एग्रीको में बैठे हैं उनकी नींद आज और कल नहीं आएगी, उनको कई टॉनिक लेने पड़ेंगे रात को। जो बिष्टुपुर में बैठे हैं उनको कई योगासन करने पड़ेंगे, परत नलियों के परीक्षण करने पड़ेंगे, पर फिर भी नींद नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का समर्थन प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं आपको यहां बिरसा नगर में खड़ा होकर बोलता हूं कि हमारी जीत बहुत बड़ी जीत होगी, और इस जीत की गूंज रांची नहीं दिल्ली तक सुनाई देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, जो पिछले 20 दिन का चुनाव का जो हमने कैंपेन चलाया, उस कैंपेन में जिस तरह से आपने इस भाई का साथ दिया, इस बेटे का साथ दिया, और सभी लोगों ने साथ दिया, मैं आपको बोलता हूं विश्वास मानिए, मैं झूठ बोलना कम पसंद करता हूं, जिस दिन मैं आया था मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसी रैली निकलेगी और ऐसे लोगों का मेरे को साथ मिलेगा। अरे अब तो मैं बोलता हूं उन लोगों को कि आप कल सुबह अखबार में अपील कर दो कि भैया हमको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि आप लड़ोगे, अगर आप चुनाव लड़ोगे तो 23 तारीख को ट्रेन के टिकट करा लेना पहले से। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि 23 तारीख को जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, पत्रकार बहुत परेशान करेंगे, आप पूछेंगे आप यहां से क्यों हार, आपके हारने का कारण क्या था, क्या हारने का प्रमुख कारण आपका यह था कि आप झूठ बोलते हो, आप धोखा देते हो, आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हो, आप लोगों के साथ मजाक करते हो, बड़े बड़े लेख छपे। भाई साहब ध्यान रखना, 23 तारीख को हेलीकॉप्टर नहीं है आपके पास, ट्रेन का टिकट करा के चल देना यहाँ से, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ पर विकास की बात करने वाले की ही जीत होगी, और हमने 20 दिन तक, यकीन मानिए 20 दिन तक सिर्फ विकास की बात की, और कोई बात नहीं करी हमने, और कोई बात नहीं करी। लोग मुझसे पूछते थे कि सर आपकी टक्कर किससे है, मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी से, तो बोलते थे अच्छा रघुवर दास से, मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा भाजपा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी आपके भाई के सामने चुनाव लड़ रहे, एक तो उनकी गोद में बैठ के
छुपा हुआ प्रत्याशी उसका नाम है सरयू राय और दूसरा उनका घोषित प्रत्याशी उसका नाम है रघुवर दास। पर उनको पता नहीं है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय जनता दल इकट्ठी होती है और उनके कार्यकर्ता जब सड़क पे उतरते हैं तो भाजपा के दो तो क्या 2000 प्रत्याशियों को जीतते हुए हम राज्य पहुंचने का मान कर साथियों, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैं चार बातें करता हूं और कल मैं बिरसा नगर में दो मीटिंग में आया था और दोनों मीटिंग में जो मुझे प्यार मिला उसके बाद यहाँ का एक स्थानीय पत्रकार है वो 10 बजे मेरे ऑफिस आया। संजय घोष सुनिएगा, वो स्थानीय पत्रकार ने मुझे कहा कि सर आप तो आज जीत गए। मैंने कहा मैं कैसे भैया, तेरा आकलन ये कैलकुलेशन कैसे? बोले पूर्व जमशेदपुर पूर्व का निर्णय सिर्फ बिरसा नगर की धरती करती है और बिरसा नगर की धरती ने एक मुश्त निर्णय कर लिया है कि यहाँ से जो वोट पड़ेंगे वो सिर्फ आपको पड़ेंगे। साथियों, मैंने पिछले 20 दिन तक चार बातें कही, आप सब लोगों ने समय समय पर उन बातों को सुना। मैंने शिक्षा की बात की, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जो बातें मैंने शिक्षा के संदर्भ में की, जो बातें मैंने अस्पताल के संदर्भ में की, जो बातें मैंने मालिकाना के संदर्भ में की, जो बातें मैंने बंद पड़ी कंपनियों के संदर्भ में की, मैं आपको वचन देता हूँ क्योंकि आप कार्यकर्ताओं का मेरे को जो प्यार मिला है अब मेरा दायित्व आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं आपको वचन देता हूँ कि वो जो चारों बातें मैंने की है उसको अक्षर बाई अक्षर, लाइन बाई लाइन मैं पूरा करके आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगा, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है।